Assalamu alaikum. Welcome to online classes of Rise and Shine. Class 8. I am your biology subject teacher Sadaf Zaman. और आज का हम अपना चैप्टर 2 जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ उसका 8th लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं. और इसके लिए हम अपनी बुक का पेज नंबर 48, 49 एंड 50 जो है वो रीड करेंगे, मतलब उसके उसमें से पढ़ेंगे. एंड टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन चैप्टर नंबर 2 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ विल बी फ्लावर एंड पार्ट्स ऑफ फ्लावर, यानी कि एक फूल जो है वो होता क्या है, उसकी क्या अहमियत है, सही, और उसके कितने पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स का क्या काम है, सही. ओके, लर्निंग ऑब्जेक्टिव यानी एट द एंड ऑफ दिस लेसन और लेक्चर यू स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लर्न दैट व्हाट इज फ्लावर एंड व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर एंड देयर फंक्शंस, यानी कि फ्लावर क्या है एंड इसके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं, यानी फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में आप लोग जान सकेंगे और इसके अलावा जो है उनके काम यानी उनका क्या फंक्शन होता है फूल में, तो ये सब जो है आप पढ़ सकेंगे और सीख सकेंगे. चैप्टर 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. अब जाहिर है हमने जो है पिछले लेक्चर में वेजिटेटिव पार्ट्स जो हैं उनको डिस्कस किया था, तो इस लेक्चर में हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को ही डिस्कस करेंगे. और जो हमने वेजिटेटिव पार्ट्स को डिस्कस किया था उसमें मैं आपको बताती चलूं कि हमने कौन कौन से किए थे. हमने जो है रूट, स्टेम एंड लीफ, इनको जो है वो इनका इंटरनल स्ट्रक्चर और प्लस उनकी कुछ मज़ीद उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है पढ़ी थी और सीखी थी. तो आज जो है हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यानी कि ऐसे पार्ट्स जो क्या करते हैं रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली हेल्प करे होते हैं, और वो पार्ट्स कौन से, उनमें फ्लावर जो है वो शामिल थे, सही. तो इनको जो है आज हमने पढ़ना है. अब इनके बारे में देखते हैं. फ्लावर, दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ब्यूटिफुल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, सही. तो फ्लावर के बारे में हमें पता है ये बात पहले से ही कि ना किसी भी अगर हम बाग में चले जाएं, सही है, गार्डन वगैरह में, तो वहाँ पे हम जब देखते हैं तो फूल जो है सबसे पहले क्या क्या अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि सबसे खूबसूरत हिस्सा जो है ना किसी भी पौधे का वो क्या होता है, फ्लावर होता है, सही. और सबसे अहम भी उसी को ही कहते हैं, क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहा था असल में रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा होता है. अब ये जो फ्लावर है ना, इनकी क्या होती है, ब्रांचेस के ऊपर एक स्पेशल अरेंजमेंट होती है, यानी कि एक स्पेशल तरीके से ये क्या होते हैं, या जैसे आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है ना कि ये तो नहीं एक साथ इररेगुलर शेप में और इररेगुलर वे में अरेंज हुए हुए हों, बल्कि एक ख़ास तरीके से क्या है अरेंजमेंट होती है इनकी ब्रांचेस के ऊपर. जैसे ये एक फूल यहाँ है तो एक इस तरफ से, सही है, यानी कि एडजस्टेंट लग रहा है आपको यहाँ पर इस फिलहाल पिक्चर में कि एडजस्टेंट हो एक दूसरे के. तो फ्लावर के ब्रांचेस पे जहाँ फ्लावर की जो क्या होती है एक स्पेशल अरेंजमेंट होती है, सही. तो ये जो स्पेशल अरेंजमेंट यानी कि ख़ास तरीके से क्या है अरेंज हुए हुए होते हैं, तरतीब हुए हुए होते हैं ना, कि तरतीब दी हुई है, तो वो जो ख़ास किस्म की तरतीब होती है ना ब्रांचेस के ऊपर फूलों की, उसे हम क्या कहते हैं, इनफ्लोरेसेंस. क्या कहते हैं, इनफ्लोरेसेंस. तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा कि फ्लावर जो है उसकी स्पेशल अरेंजमेंट का नाम क्या होता है ऑन द स्टेम, यानी कि स्टेम के ऊपर. और इसके अलावा फ्लावर को इम्पॉर्टेंट और ब्यूटीफुल तो खैर हम कहते ही हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, सही. अब हम देखते हैं, अब हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर की बात करें. पार्ट्स ऑफ फ्लावर जो हैं वो क्या हैं, फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ फ्लावर. ये पार्ट्स हैं, नंबर 1 कैलिक्स, नंबर 2 कोरोला, नंबर 2 नंबर 3 एंड्रोशियम एंड नंबर 4 गाइनोशियम. ये चार पार्ट्स हैं, सही. और इन चार पार्ट्स में अगर आप देखें, कैलिक्स जो है वो इस तरह के ग्रीनिश कलर के होते हैं. इनके जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है वो इनको हम जब डिटेल में देखते हैं. अभी कोरोला जो है वो कुछ इस तरह का दिखता है, यानी कि जो फूल की पत्तियां होती है ना वो. और एंड्रोशियम आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है, सही, यहाँ पर. और गाइनोशियम जो है वो क्या है, इस तरह से कुछ इस शेप का होता है, उसमें स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी जो है वो एक साथ मौजूद होते हैं. और ये बाकी कैलिक्स भी इस तरह से होता है, सही. और कोरोला इस तरह से, अगर ऊपर से आपको ऑब्जर्व करना हो तो वो इस तरह से नज़र आता है. अब पहला पार्ट जो है ना फ्लावर का वो क्या है, कैलिक्स. इसके बारे में देखते हैं कि क्या बताया जा रहा है ना. दिस इज़ द आउटर मोस्ट होल एंड कंसिस्ट ऑफ 4 फ्री सेपल्स, यानी कि ये जो आपको नज़र आ रही है पिक्चर, ये किसकी है,
असल में कैलिक्स की है, लेकिन इसके बारे में आपको ये बताती जाऊँ कि ये जो है सबसे क्या होता है, ऊपरी हिस्सा होता है फ्लावर का, सही। किसी फ्लावर के पार्ट्स की बात की थी ना हमने, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम, तो उसमें सबसे पहला पार्ट आपके पास क्या होता है, कैलिक्स, सही। ये सबसे ऊपरी हिस्सा होता है और ये जो है फोर फ्री सेपल्स से मिलके, ये जो आपको अलग अलग नज़र आ रहे हैं ना सेपल्स, तो ये फोर फ्री सेपल्स से मिलके बना हुआ होता है। और इन सेपल्स को जब चार सेपल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो उनका एक नाम रखा गया, वो क्या है, कैलिक्स। अब सेपल्स जो होते हैं ना, जब फ्लावर छोटा होता है यानी यंग फ्लावर जो होता है उसमें क्या है, उसका कलर ग्रीन कलर का होता है, लेकिन जैसे ही फ्लावर अब बड़ा होता है, बड़ा होता जाता है, तो उसका कलर क्या हो जाता है, येलो कलर का होता है, जैसे पेटल्स के होते हैं, ये आपको पेटल्स नज़र आ रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही कलर क्या हो जाता है, इन सेपल्स का भी हो जाता है। फंक्शन देख लेते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है ना कैलिक्स का, वो क्या होता है कि इसके अंदर जो मौजूद पार्ट्स हैं उनको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, यानी फ्लावर के अंदर इनर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, यानी फ्लावर के जो बाकी हिस्से हैं उनको क्या करना होता है, उसे प्रोटेक्ट करना होता है, उनकी हिफाजत करनी होती है। और हिफाजत भी किस चीज़ से, सनलाइट एंड रेन से, ताकि सूरज की रोशनी और जो बारिश वगैरह, उनसे इन चीज़ों को कोई नुकसान ना पहुंच सके, सही। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट, कोरोला की। कोरोला के बारे में कहा जाता है कि ये क्या है, दूसरा हिस्सा जो होता है ना वो क्या है, कोरोला है, और ये चार फ्री येलो पेटल्स से मिल के बना हुआ होता है। फोर फ्री येलो पेटल्स जो होते हैं ये, अगर आप इनको देख सकें तो, ये आपके पास जो है वो क्या है, येलो पेटल्स। और इन येलो पेटल्स को असल में जब ये चारों एक साथ हों तो हम इनको क्या नाम देते हैं, कोरोला का। अब इसका फंक्शन क्या है कि पेटल्स की वजह से ज़ाहिर आपको नज़र आ रहा है कि क्या है, कलरफुल है, तो कलरफुल होने की वजह से अट्रैक्टिव हो गया। तो इसी तरह से जब ये इतना अट्रैक्टिव होता है कि इसकी तरफ जो है हनी बीज, बटरफ्लाइज, यानी कि मक्खियाँ जो होती हैं शहद की, और तितलियाँ और जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो क्या होते हैं, आसानी से उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, सही। और इस वजह से इनमें क्या होना शुरू हो जाती है, पॉलिनेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। थर्ड पार्ट जो है हमारे पास फ्लावर का, वो क्या है, एंड्रोशियम। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि क्या क्या बातें इसमें बताई जा रही हैं। द एंड्रोशियम लाइज इन साइड द पेटल्स। सबसे पहले आपको ये बात बताती चलूँ कि जो पेटल्स होते हैं, सही, उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, एंड्रोशियम। यानी हमने पहले पढ़ा था कैलिक्स को, सबसे पहले जो है वो क्या होता है, कैलिक्स होता है, सही। उसके अंदर कैलिक्स जो होता है वो क्या कर रहा होता है, प्रोटेक्ट कर रहा होता है अंदर के पार्ट्स को। तो उसके अंदर के जो पार्ट्स हैं उसमें क्या है, कोरोला, एंड्रोशियम और गायनोशियम। तो कैलिक्स के बाद जो है वो क्या होता है, कोरोला आता है। कोरोला के अंदर जो है वो क्या पाया जाता है, एंड्रोशियम पाया जाता है, सही है। कोरोला के अंदर है, यानी पेटल्स जो ये पत्तियां थी उनके अंदर क्या पाया जा रहा था, पाया जा रहा है एंड्रोशियम पाया जा रहा है। तो यानी ये कौन सा हिस्सा हुआ, थर्ड पार्ट हुआ ना, तो इस उसका फ्लावर का। तो इट्स पार्ट्स आर नॉट लीफ लाइक। अब ये जो एंड्रोशियम है ना, इसके जो पार्ट्स होते हैं वो पत्तों की तरह नहीं होते। और द एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ सिक्स फ्री स्टैमन्स। अगर आपको मैं यहाँ बताती चलूँ कि एंड्रोशियम असल में क्या है, तो ये वाला जो पार्ट है आपको एंड्रोशियम यहाँ पे दिखा दूँ, ये आपके पास क्या होते हैं, असल में एंड्रोशियम कहलाते हैं, सही है। ये आपको नज़र आ रही है लेबलिंग, तो ये क्या होते हैं, एंड्रोशियम होते हैं असल में। एंड्रोशियम जो है वो हम इनको तब कहते हैं जब ना, यहाँ पे आपको लिखा होगा कि जैसे सिक्स फ्री स्टैमन्स। अब ये जो है आपके पास एक वाला, एक जो है वो क्या होता है, अलग स्टैमन, ये भी एक अलग स्टैमन, सही। इसी तरह के जब मज़ीद छः, टोटल छः जो हैं वो पाए जाते हैं, तो छः स्टैमन जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो आपके पास क्या फॉर्म कर देते हैं, एक एंड्रोशियम बनाते हैं, सही। और ये एंड्रोशियम जो होता है वो क्या होता है, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है। जैसे कैलिक्स में हमने पढ़ा था कि फोर फ्री सेपल्स होते हैं, कोरोला में हमने पढ़ा था फोर फ्री येलो पेटल्स होते हैं, तो इसी तरह से एंड्रोशियम में सिक्स फ्री स्टैमन्स पाए जाते हैं, सही। सिक्स फ्री स्टैमन्स होते हैं, ये सिक्स फ्री स्टैमन्स आपस में कंबाइन जब होते, मतलब इनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, एंड्रोशियम कहते हैं, सही। अब ये जो एंड्रोशियम है, यानी कि इसके अंदर जो एक स्टैमन की बात करें हम, सही, क्योंकि छः स्टैमन से मिलकर बना है, तो इनमें से अगर हम एक स्टैमन की बात करें तो हर स्टैमन में दो वेल डिफाइंड पार्ट्स पाए जाते हैं। वेल डिफाइंड से क्या मुराद है, यानी कि ऐसे पार्ट जो हमें वाजे तौर पर नज़र आ सकें, जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ना, ये एक अलग पार्ट है और ये एक अलग पार्ट है। तो इसी तरह से आपके पास जो एक डेलिकेट स्टॉक होती है, यानी कि नर्म सी जो डंडी होती है, सही है, आपके पास ये जो स्टेमन में एक नर्म सी डंडी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, फिलामेंट, सही।
ये क्या कहलाते हैं, फिलामेंट। और जो दूसरा ऊपर का ये पूरा फूला हुआ पार्ट होता है ना, स्वोलन पार्ट जिसे कहते हैं स्वोलन पार्ट, तो ये फूला हुआ हिस्सा जो है वो आपके पास क्या कहलाता है, एंथर। क्या कहलाता है, एंथर। जब ये एंथर मेच्योर होता है तो इसमें ना एक स्लिट जो है वो क्या होती है, अपेयर होना शुरू हो जाती है, और वो इसकी वॉल में, सही, यहाँ पे ये इसकी वॉल में क्या हो रही है, स्लिट अपेयर होना शुरू हो जाती है, और उस स्लिट की वजह से ये आपको असल में क्या है नज़र आ रहे हैं, पॉलन ग्रेन्स। सही, ये क्या है, पॉलन ग्रेन्स। ये पॉलन ग्रेन्स जो है इस स्लिट की वजह से वहाँ से क्या होना शुरू हो जाते हैं, बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, एस्केप होना शुरू हो जाते हैं। सही, तो यहाँ पर आपको मैंने असल में स्ट्रक्चर बताया कि एंड्रोशियम जो है वो क्या है, 6 फ्री स्टैमन से मिल के बना होता है, और हर स्टैमन में 2 वेल डिफाइंड पार्ट्स होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं, फिलामेंट, जो कि एक डंडी की तरह का होता है। सही, और दूसरा क्या होता है, एंथर, जो कि फूला हुआ हिस्सा होता है। सही, और उस एंथर के अंदर जो है असल में क्या पाए जाते हैं, पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। सही, अब फंक्शन देखते हैं कि पॉलन एंड्रोशियम का जो फंक्शन है वो क्या है। When the insects are attracted towards the flowers to collect the nectar, pollen grains get attached to their bodies and are transferred from one flower to another. This results in the pollination of flowers. यानी कि आपको फंक्शन क्या बताया जा रहा है कि जब इंसेक्ट्स वगैरह जो होते हैं ना, जब वो फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, सही, हमने पहले बताया कि अट्रैक्शन किस वजह से होती है, करोला की वजह से होती है, क्योंकि उसका कलर ही इतना अट्रैक्टिव होता है, जब वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं ना, तो अट्रैक्ट होते हैं और वहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, वहाँ से नेक्टर वगैरह को क्या करते हैं, कलेक्ट करना, यानी जो रस वगैरह वहाँ का, तो उसको जब कलेक्ट करने के लिए वहाँ आते हैं, तो पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं ना, वहाँ पर जो मौजूद पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ज़ाहिर है जब नेक्टर वो रस को वहाँ से उठा रहे होंगे, तो वो जो पॉलन ग्रेन्स वहाँ मौजूद थे फूल में, सही, तो वो क्या करते हैं, वहाँ से पॉलन ग्रेन्स उनकी टांगों के साथ, यानी लेग्स जो होती हैं, कीड़े मकोड़े जो आते हैं, यानी हनी बीज हो गए, बटरफ्लाइज, उनकी टांगों के साथ क्या हो जाती हैं, या उनकी बॉडीज़ के साथ अटैच हो जाते हैं। सही, जब वो अटैच होते हैं तो इसके बाद जब फ्लावर वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक फूल से दूसरे फूल की तरफ, तो वो जो ट्रांसफ़र होता है ना, उस दौरान क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स भी क्या होते हैं, ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं एक फूल से दूसरे फूल की तरफ, और इस ट्रांसफ़र के नतीजे में क्या हो जाती है, फ्लावर्स के दरमियान पॉलिनेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। जैसे आपको मैं वीडियो बताऊँ, फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो हनी बी है वो क्या हुई, इसके सही इनको देखकर क्या हुई, अट्रैक्ट हुई, तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन मौजूद हैं, सही, यहाँ पे एंथर, और यहाँ पे ये क्या दिखाया जा रहा है आपको, स्टिग्मा, ये इसको देख के यहाँ पे अट्रैक्ट हुई, अट्रैक्ट हुई, तो क्या है, नेक्टर कलेक्ट करने आ गए। अब ये क्या करी, यहाँ से नेक्टर को, यानी रस वगैरह को कलेक्ट करने के लिए आई, तो जब ये कलेक्ट करके फ्लावर वन से, यानी इस फूल से इस फूल की तरफ जाएगी, लेकर अपने फूल की तरफ जा रही है, वहाँ बैठेगी, तो उस दौरान क्या होता है कि यहाँ के जो पॉलन ग्रेन्स हैं, सही, यहाँ वाले जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो ट्रांसफ़र होकर कहाँ आ रहे हैं, इस फूल के ऊपर, तो इस दौरान क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है पॉलन ग्रेन्स की, और पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र जब होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे होते हैं, पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स, यानी कि फ्लावर के दरमियान क्या है, पॉलिनेशन हो रही है, यानी पॉलन ग्रेन्स का असल में क्या हो रहा होता है, ट्रांसफ़र। सही है, तो ये इस तरह से प्रोसेस दिखाया गया। गायनोशियम, गायनोशियम आपके पास जो है वो असल में क्या होता है, फ्लावर का फोर्थ होल, यानी चौथा हिस्सा होता है ना, और ये जो है फ्लावर में क्या करता है, सेंट्रल पोजीशन को ऑक्यूपाई किए हुए होता है, यानी कि जो किसी फ्लावर में सेंट्रल पोजीशन होती है ना, वो फ्लावर में, यानी फ्लावर में जो सेंट्रल पोजीशन होती है वो गायनोशियम की होती है। गायनोशियम के बारे में आपको बताती चलूँ, ये क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर का। सही, और जो गायनोशियम के पार्ट्स होते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं, कार्पल्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, गायनोशियम के जो पार्ट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, कार्पल्स कहते हैं। सही, और कार्पल गायनोशियम जो वो 2 कार्पल से मिलकर बना होता है, और इन दोनों कार्पल में अगर हम हर कार्पल का स्ट्रक्चर देखें तो उनमें क्या होते हैं, 3 मेन पार्ट्स आते हैं ना, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। ये आपको असल में इस डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ये वाला पार्ट जो है वो आपके पास क्या है, ओवरी, इससे ऊपर जो है वो क्या आ जाता है, स्टाइल, और इस पार्ट को क्या कहते हैं, स्टिग्मा। अब इसकी जो डिटेल है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। द लोअर स्वोलन पार्ट इज द ओवरी, यानी कि ये जो नीचे का जो फूला हुआ हिस्सा होता है इसको हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। सही, और इसी ओवरी के ऊपर, यानी अबव द ओवरी, इसी ओवरी के ऊपर क्या है, कार्पल एक्सटेंड्स इनटू अ थिन स्टॉक,
कार्पल जो है वो जारी हुई होती है एक ही पतली सी डंडी में, जिसे हम क्या कहते हैं स्टाइल। तो ये आपको थिन स्टॉक है, सही है, बहुत मोटी नहीं होती, बारीक होती है। तो ये स्टॉक आपके पास क्या कहलाती है, स्टाइल। और फिर इसके बाद आता है स्टिग्मा। स्टिग्मा जो होता है ना, वो क्या है, फूली हुई टेप होती है, उसको क्या कहते हैं स्टिग्मा। स्टाइल के ऊपर अगर आपको नज़र आ रहा है ये जो फूली हुई टेप है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। अब फंक्शन क्या है इसका, जब पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन हो जाती है ओवरी में, सही। ये क्या है आपके पास, ओवरी ना। तो इस ओवरी में बहुत सारे क्या नज़र आ रहे हैं आपको, ओव्यूल्स, जैसे मैं आपको इस पिक्चर में भी दिखाऊं यहाँ पे, सही। ये ओवरी है, उसके अंदर क्या है, बहुत सारे ओव्यूल्स हैं। तो जब ये ओव्यूल्स पक जाते हैं ना, यानी राइप हो जाते हैं, तो इनमें क्या हो जाते हैं, ये ओव्यूल्स किस में कन्वर्ट होते हैं, सीड में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सीड में। और ये जो खुद ओवरी होती है बाहर की, यानी ये वाली ओवरी जो होती है, वो क्या हो जाती है, फ्रूट में कन्वर्ट होती है। और यही जो है मेन फंक्शन है गायनोशियम का, क्योंकि गायनोशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर का। अब हमने जो है वो क्या किए, अभी तक फ्लावर के पार्ट्स पढ़े हैं, तो उनको देख लेते हैं एक दफ़ा ओवरव्यू के इस डायग्राम में, के है क्या। ये आपको नज़र आ रहे हैं सेपल, ये वाले पार्ट, सही है। मैंने आपसे क्या कहा था कि सेपल जो होते हैं ना, वो क्या था, आउटर मोस्ट होल होता है। और ये आउटर मोस्ट होल जो होते हैं ना, फोर फ्री सेपल से मिलके बने होते हैं। इन फोर फ्री सेपल्स को हमने क्या नाम दिया था, कैलिक्स का। किसका, कैलिक्स का। इसी तरह से उसके बाद सेकेंड पार्ट के आपके पास क्या था, कोरोला। ये जो कोरोला है, ये आपके पास कहते हैं फोर फ्री येलो पेटल्स मिलकर आपके पास क्या बनते हैं, कोरोला, सही। इसके बाद थर्ड पार्ट क्या है, एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम जो होता है वो आपके पास सिक्स फ्री स्टैमन्स जो होते हैं, स्टैमन्स को हम जब कलेक्टिवली नाम देते हैं तो किस चीज़ का देते हैं, एंड्रोशियम का। इस स्टैमन में भी आगे से दो पार्ट्स है, नंबर वन एंथर और नंबर टू फिलामेंट। एंथर जो है, ये ऊपर आपको जो फूला हुआ हिस्सा नज़र आ रहा है, ये क्या है, एंथर, येलो कलर का। और फिलामेंट जो होता है ना, ये नीचे ग्रीन कलर की जो डंडी नज़र आ रही है, ये आपके पास क्या है, फिलामेंट कहलाता है। गायनोशियम, गायनोशियम जो है वो क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये जो है कार्पल से मिल के बना होता है, और कार्पल में तीन मेन पार्ट्स आते हैं, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। ओवरी जो है, ये आपके पास ग्रीन कलर का ये जो नीचे का फूला हुआ हिस्सा ये है, इसी के ऊपर ये स्टॉक लाइक डंडी की तरह का जो हिस्सा है वो क्या है, स्टाइल। और इसके ऊपर ये जो स्वॉलन टेप होती है, यानी ये जो टिप वाला हिस्सा, ये क्या है, स्टिग्मा कहलाता है, सही। और इनको कलेक्टिवली क्या नाम दिया जाता है, स्टाइल, स्टिग्मा, और ओवरी को पिस्टल का नाम दिया जाता है। इसी के नीचे जो ओवरी है, यहाँ पे आपके पास ये जो पार्ट है नीचे, ये आपके पास क्या कहलाता है, रिसेप्टिकल। क्या कहलाता है, रिसेप्टिकल। और रिसेप्टिकल के नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाता है, पेडिसल। ओके, कंक्लूजन की बात करते हैं। कंक्लूजन में हमने यानी जो कुछ पढ़ा है उसको कंक्लूड करना है। तो फ्लावर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल और इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होते हैं, प्लांट के फ्लावर कहलाते हैं। और इनको रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, डायरेक्टली हेल्प कर रहे होते हैं रिप्रोडक्शन में। इसके अलावा फ्लावर के फोर पार्ट्स हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। कैलिक्स जो होता है सबसे आउटर मोस्ट होल होता है, और फोर फ्री सेपल्स से मिलके बनाता है। और ये क्या करता है, कवर करता है इनर पार्ट्स को, और सनलाइट और रेन से क्या करता है, प्रोटेक्ट कर रहा होता है इनर पार्ट्स को। इसके बाद कोरोला की बात करें, तो कोरोला जो है वो क्या, सेकंड होल होता है, और ये फोर फ्री येलो पेटल्स से मिलके बनाता है। और इन्हीं पेटल्स की वजह से यानी इनमें क्या हो जाती है, फ्लावर में, इस फ्लावर में क्या हो रही होती है, पॉलिनेशन स्टार्ट होती है, क्योंकि बटरफ्लाइज, हनी बीज वगैरह जब अट्रैक्ट होती हैं तो इसमें क्या हो जाती है, फिर पॉलिनेशन स्टार्ट। और इसके बाद जो है असल में बात करें एंड्रोशियम की, तो एंड्रोशियम जो होता है वो क्या आपके पास, थर्ड होल होता है फ्लोरल लीव्स का, सही है। फ्लोरल लीव्स का जो थर्ड होल था उसको क्या कहते हैं, एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम जो है वो क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर का, और ये सिक्स फ्री स्टैमन से मिल के बना हुआ होता है, सही। और इसमें भी ये होता है कि ना, जब बटरफ्लाइज और इंसेक्ट वगैरह जब अट्रैक्ट होते हैं ना कोरोला की वजह से इसमें, तो फिर जो है उनमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना, जो उनकी बॉडी से अटैच हो जाते हैं, तो जब वो ट्रांसफर होने लगते हैं दूसरे फ्लावर की तरफ, तो उसको क्या हो जाता है, वो पॉलन ग्रेन जब वहाँ गिर जाते हैं, तो उसकी वजह से पॉलिनेशन जो फ्लावर की वो क्या हो जाना होना शुरू जाती है, वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद जो फोर्थ पार्ट है वो क्या आ जाता है आपके पास, गायनोशियम। और ये जो है सेंट्रल पोजीशन जो है फ्लावर की घेरे हुए होता है या ऑक्यूपाई किया हुआ होता है। और जो गायनोशियम के पार्ट्स हैं वो क्या हैं, कार्पल्स। और ये क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाते हैं प्लांट के। हर कार्पल जो है आगे से तीन मेन पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें क्या कहते हैं, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। और ओवरी में भी बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, जो कि ओव्यूल्स हैं सीड में कन्वर्ट होते हैं, और ओवरी जब पकती है तो वो किस में कन्वर्ट होती है, फ्रूट में। और ये गायनोशियम का क्या था, मेन फंक्शन था।
होमवर्क की बात कर लेते हैं। होमवर्क में आपने क्या करना है, फ्लावर और फ्लावर पार्ट्स ऑफ फ्लावर का जो टॉपिक है उसे बहुत अच्छे से रीड करके समझना है, और अगर कोई बात क्लियर ना हो तो उसे क्या करना है, डिस्कशन बॉक्स में उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। और इसके अलावा राइट एंड लर्न द क्वेश्चन गिवन इन होमवर्क फाइल, आपको जो होमवर्क फाइल में क्वेश्चन दिए जाएंगे तो उसे जो है वो काइंडली साफ़ सुथरा उसका काम कीजिएगा और नीट एंड क्लीन काम कीजिएगा। सही, हमारा लेक्चर बस यहीं तक का था। अगले लेक्चर में आपसे दोबारा फिर से मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।